नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे बालाजी अमाइन कंपनी में। इस कंपनी का अगर हम बात करेंगे, ये कंपनी में कुछ लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन से ये स्टॉक में काफी गिरावट चल रहा है, जो कि स्टॉक अभी 200 डे का मूविंग एवरेज को ब्रेक कर चुका है। तो काफी सारा फ्रेंड्स का मन में सवाल है कि ये स्टॉक में हमें आगे के लिए क्या करके चलना चाहिए, स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं या स्टॉक को एग्जिस्ट लेना चाहिए। और हमारा कुछ फ्रेंड्स तो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं जो पहले से, तो उनको पता है ये स्टॉक में। मैंने एक बार वीडियो बना के भी बताया था यहाँ पे ये स्टॉक को लेके चल सकते हैं 3 महीना पहले। उस टाइम पे कुछ फ्रेंड्स तो स्टॉक को बाय भी किए हैं और प्रॉफिट बुकिंग कर भी चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे जब उन्होंने बाय किया, यहाँ पे 3 मंथ्स पहले मैंने बताया था, यहाँ पे बाय करके जब 20% प्रॉफिट आया, इमिडिएटली कुछ मंथ्स में उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करके निकल चुके हैं। अभी जो कुछ फ्रेंड्स अभी टारगेट का इंतजार में है कि उनका टारगेट अचीव नहीं हुआ है और कौन सा लेवल तक होल्ड करना चाहिए, इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर ऐसे भी कोई भी स्टॉक आपका पोर्टफोलियो में है, तो आप इमिडिएटली लॉस बुक मत कीजिए। ऐसे काफ़ी सारा स्टॉक होता है मार्केट के साथ में गिरता जरूर है, लेकिन वो अपना टारगेट तक जरूर अचीव कर लेता है। लेकिन काफ़ी सारा फ्रेंड्स क्या करते हैं, बाकी सारा कहीं ना कहीं पे नॉइज से उनको सुनने में मिलता है कि ये स्टॉक में सपोर्ट टूट चुका है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरावट आने वाला है, कंपनी का फंडामेंटल में ऐसे प्रॉब्लम आ गया। तो उस क्या करते हैं, वो इमिडिएटली वो स्टॉक में लॉस बुक करके निकल जाते हैं। उनका मन में ये सवाल आता है कि मैं गलत स्टॉक में एंट्री ले लिया। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी होता है कि स्टॉक मार्केट का नेचर ऐसा ही है, कभी कभी स्टॉक में गिरावट जरूर आता है, लेकिन फंडामेंटली अच्छा स्टॉक होने के बावजूद वो स्टॉक का टेक्निकली वो सपोर्ट भी करता है, वो अपना टारगेट प्राइस जरूर अचीव कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे इसने भी इसका टारगेट में मुझे जरूर नजर आ रहा है, ये स्टॉक में अपना टारगेट जरूर अचीव करेगा। और कौन सा लेवल तक जाएगा, और यहाँ पे अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो कौन सा लेवल तक जा सकता है, उसके बारे में भी फ्रेंड्स बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप सबको जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पर नया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में बेल बटन को भी प्रेस करके रख लीजिए फ्रेंड्स। ठीक, अगर मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं, यहाँ पे व्हाट्सअप का नंबर दिया हुआ है, ये नंबर पे आप मेरे साथ में जरूर जुड़ सकते हैं, आपका लॉस को आप जरूर बचा सकते हैं। ठीक है, अभी चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगर हम बात करेंगे ये स्टॉक में, लास्ट 5-6 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में काफी गिरावट चल रहा है। अगर हम बात करेंगे ये स्टॉक में कितना परसेंटेज गिर चुका है, यहाँ पे देखिए ये स्टॉक में 20% का गिरावट आ चुका है, जो कि लास्ट 1 वीक से। अगर कंपनी का फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे 9000 करोड़ का मार्केट कैप है, 9700 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर स्टॉक का पी का बात करेंगे, यहाँ पे 28 पी पे स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है। अगर आरओसी की बात करेंगे, 35% का आरओसी है। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे, यहाँ पे 53% का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है और प्रमोटर प्ले जीरो है, ये सबसे बेहतरीन है। और उसके साथ में अगर डेट की बात करेंगे, यहाँ पे लो डेट कंपनी है, कंपनी का ऊपर जो डेट है 0.16% डेट है, इतना ज़्यादा डेट नहीं है। अगर ऑल टाइम हाई की बात करेंगे, यहाँ पे स्टॉक ऑल टाइम हाई पे ट्रेडिंग हो रहा था 5224 पे, अभी स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है 2996 पे, जो कि ये स्टॉक में काफ़ी करेक्शन हो चुका है। अगर हम बात करेंगे इसका फेस वैल्यू का, 2 फेस वैल्यू पे स्टॉक है और ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है। कंपनी का एक डिटेल एनालिसिस के लिए मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा ये स्टॉक का, आप यहाँ पे वेबसाइट को जरूर विजिट कर सकते हैं। केमिकल स्टॉक है और इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है, तो आप उसके लिए आप इनका यहाँ पे वेबसाइट को जरूर विजिट करके आप स्पेशली रीड कर सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या बनाते हैं और क्या क्या पोर्टफोलियो साइज है। अगर इसी हिसाब से हम अगर बात करेंगे फ्रेंड्स इसका क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में, यहाँ पे कंपनी का सेल्स जो है हमेशा ग्रो होते जा रहा है, कंपनी एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है। यहाँ पे अगर बात करेंगे, यहाँ पे मार्च 2019 को यहाँ पे इनका जो सेल्स था 226 करोड़ का सेल्स था, अभी अगर सेल्स की बात करेंगे यहाँ पे 565 करोड़ का सेल्स देखने को मिला है, जो कि बहुत बढ़िया है, कि बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखा रहा है। अगर इसी हिसाब से अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, 26 करोड़ से लेके अभी 90 करोड़ तक अभी आ चुका है इसका नेट प्रॉफिट, जो कि बहुत बढ़िया से ग्रोथ दे रहा है। अगर लास्ट 4 क्वार्टर का भी बात करेंगे, यहाँ पे 4-5 क्वार्टर में दिसंबर 2020 को यहाँ पे जो इसका नेट प्रॉफिट था 75 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, अभी यहाँ पे 90 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है। तो मतलब बहुत बढ़िया सा यहाँ पे ग्रोथ नज़र आ रहा है। अगर लास्ट 4 क्वार्टर का भी हम बात करेंगे, यहाँ पे 344 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है। अगर हम सेल्स की बात करेंगे, 1955 करोड़ का सेल्स देखने को मिला है। हर एक क्वार्टर में, हर एक ईयर में अगर आप बात करेंगे, यहाँ पे 2018 को यहाँ पे 858 करोड़ का सेल्स देखने को मिला था, उसके बाद में 940 करोड़ का सेल्स देखने को मिला था, उसके बाद में 935 करोड़ का सेल्स देखने को मिला था, उसके बाद में 1308 करोड़ का सेल्स देखने को मिला था, अभी लास्ट 4 क्वार्टर में 1955 करोड़ का सेल्स देखने को मिला है। इसी हिसाब से प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया से ग्रो होते जा रहा है। अगर हम बैलेंस शीट में आते हैं, बैलेंस शीट में आके अगर हम रिजर्व देखते हैं,
कंपनी का रिजर्व हर एक टाइम ग्रो होते जा रहा है, ये एक बहुत बढ़िया सा साइन है। इसी हिसाब से अगर हम बात करेंगे यहाँ पे बोरोइंग के बारे में अगर बात करेंगे, यहाँ पे कंपनी बोरोइंग यहाँ पे कम करते जा रहा है। अगर आप बात करेंगे यहाँ पे 260 करोड़ का बोरोइंग था, उसके बाद में 127 करोड़ का बोरोइंग है, अभी 164 करोड़ का बोरोइंग है। तो इसी हिसाब से फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है इसका प्रमोटर का, अगर यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग 53% है। ये स्टॉक में एफआई का ज़्यादा होल्डिंग नहीं है, ओनली 3.9% होल्डिंग है। आज ये स्मॉल कैप स्टॉक है, एफआई का इन्वेस्टमेंट वहाँ पे है लो इन्वेस्टमेंट रहता है। उसी में अगर हम डीआई की बात करेंगे, डीआई का भी बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, जो कि 0.16% का होल्डिंग है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक स्मॉल कैप स्टॉक है, तो इसीलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम है। लेकिन आप अगर यहाँ पे भी देखेंगे काफ़ी सारे हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं अपना पोर्टफोलियो में स्टॉक को। अगर आज के दिन में अगर स्टॉक में कारोबार देखेंगे, स्टॉक में 3.9% का गिरावट देखने को मिला था, जो कि तेज भारी गिरावट देखने को मिला था। स्टॉक अभी क्लोजिंग हुआ है 3005 के प्राइस पे, स्टॉक क्लोजिंग हुआ है एनएसई पे। अगर हम आज का इसका डिलीवरी देखेंगे तो एक बहुत बढ़िया सा डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे निकल करके आ रहा है। यहाँ पे देखिए 1,45,000 क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ है। अगर डिलीवरी की बात करेंगे यहाँ पे 65% का डिलीवरी उठाया गया है, जो कि 94,000 क्वांटिटी यहाँ पे डिलीवरी उठाया गया, जो कि बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक में क्या आगे होने वाला है, एक बढ़िया सा धमाका होने वाला है स्टॉक में। जिस हिसाब से डिलीवरी उठाया गया है, एक बढ़िया सा यहाँ पे डिलीवरी उठाया जा रहा है। ठीक है, और जहाँ पे हम बात करेंगे इसका सपोर्ट का, फ्रेंड्स अभी तक सपोर्ट टूटा नहीं है, अभी भी ये सपोर्ट को बहुत बढ़िया से रिस्पेक्ट कर रहा है, जो कि 2,996 के प्राइस पे अभी ट्रेडिंग हो रहा है। लेकिन यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज को पूरा ब्रेक कर चुका है, यहाँ पे स्टॉक नीचे आ चुका है। लेकिन स्टॉक मुझे ऐसा लगता है स्टॉक ये प्राइस पे जरूर रुक सकता है। अगर ये प्राइस पे मार्केट में तेजी गिरावट देखने को मिलता है, ये स्टॉक अगर यहाँ से गिरता है, ये लेवल पे जरूर सपोर्ट ले सकता है। ये जो लेवल है, इस लेवल पे मुझे लगता है जरूर ये लेवल पे सपोर्ट ले सकता है, जो कि 2,820 का लेवल है। तो इस हिसाब से स्टॉक में इतना बड़ा रिस्क है ही नहीं। अगर आपको देखेंगे ये स्टॉक में इतना बड़ा रिस्क नहीं है, 5% का रिस्क है। अगर रिवॉर्ड के बारे में बात करेंगे, ये स्टॉक में पहला जो आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए फ्रेंड्स, आपको ये लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, आपको इस पॉइंट पे आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है, जो कि 3,933 का प्राइस है। अगर वहाँ तक अगर स्टॉक में आप बने रहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टारगेट है, आपको एक 32% का गेन मिल सकता है, जो कि ज़्यादा दिन भी नहीं लगेगा। स्टॉक का नेचर का हिसाब से ऐसा लगता है आपको 3 मंथ्स में ये प्रॉफिट भी जरूर मिल सकता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे इसका मेन टारगेट के बारे में, स्टॉक जरूर ये जो लेवल है इसको जरूर अचीव कर सकता है, जो कि 4,985 का लेवल है। अगर वहाँ तक का अगर गेन की बात करेंगे ये स्टॉक में, कितना परसेंटेज का गेन का प्रोबेबिलिटी है स्टॉक में, ये स्टॉक में 67% का प्रोबेबिलिटी है। इस स्टॉक का जो टारगेट है ये जरूर अचीव करा सकता है। कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फ्रेंड्स, आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह ले लीजिए, क्योंकि कोई भी स्टॉक में, कभी भी ये स्टॉक मार्केट है, किसी भी स्टॉक में हमें 100% ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये स्टॉक 100% यहाँ पे गेन अचीव करा सकता है। तो इसीलिए आप कोई भी स्टॉक में बाइंग करते हैं, उसमें काफ़ी सारा एलिमेंट्स होता है, काफ़ी सारा रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। तो इसीलिए आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछ लीजिए आपको कितना परसेंटेज आप उसमें एलोकेशन करना है, कितना रिस्क है, कितना रिवार्ड है, वो सारे पॉइंट्स चेक करके अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से बाइंग का सलाह ले लीजिए। ये स्टॉक में मेरा कोई भी बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो आज ए एजुकेशनल पर्पज से फ्रेंड्स। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ में अगर मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं, ये व्हाट्सअप का नंबर दिया हुआ है, डिस्प्ले में दिख रहा है, ये नंबर पर मुझे आप व्हाट्सअप करके मेरे साथ में जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।